हेलो निम्रा, क्या हाल है? मैं और बॉबी अभी तुम लोगों का ही जिक्र कर रहे थे। मॉम, कम ऑन, मैं मुझे चलो। क्या? लेकिन क्यों? ठीक है निम्रा, ये तो दिल के फैसले होते हैं, इन पर जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं। मैं और बॉबी दुआ की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। नहीं, इट्स ऑल राइट। खुदा हाफिज। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? उन लोगों ने इनकार कर दिया। इट्स नॉट इवन पॉसिबल मॉम, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके साथ मजाक कर रहे होंगे। आंटी को पता है ना कि आप कितना चाहती हैं कि दुआ की मुझसे शादी हो। वो आपसे मजाक कर रहे होंगे। आप फिर से फोन करें। कम ऑन, कॉल हर अगेन। आई एम टेलिंग यू ना। व्हाट? आर यू सो सीरियस? मजाक नहीं कर रही थी वो। शी वाज सीरियस। वजह क्या बताई? तो आज इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, उसने इनकार कर दिया। तो इट्स ओके। हाँ इट्स ओके। मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहती था। यू टुक मी देयर राइट? या मॉम, You took me there, right? मेरे सर्कल में तो वैसे भी इतनी सारी लड़कियां, you know what? They just wait for me. कभी घास डालूं उनको। इनकार कर दिया। अपने आप को कुछ समझती है मौत? मेरी लाइफ में भी ऐसी कंसीडर्ड लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। जब मैं आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती तो अल्लाह ताला भी मुझे आप लोगों से दूर नहीं रखेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने और दाई ने तो साफ कह दिया है, चाहे कोई रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, जब तक दुआ नहीं चाहेगी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मजबूर नहीं करेंगे। शुक्र। बीबी जी, नाश्ता लगा दिया है। अच्छा चले ठीक है, आप चले हमारे चले। अम्मा दुआ, जरा नाश्ते से फ्री होकर अपने और मेरे ड्रेसेस तो देखो। तुम्हारे अब्बा ने इतनी बड़ी दावत रख ली है और कोई तैयारी नहीं। अम्मा हम सब है ना, कर लेंगे मिलके। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ ये तो है। सुग्रा नाश्ता ले आओ भाई। अम्मा जूस लेंगी? नहीं बेटा, मैं चाय पीऊंगी। तुम नाश्ता करो, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। दाई भी तो पिएगा ना, वो तो सिर्फ मेरे हाथ की बनी चाय पीता है। हाँ भाई, तुम मेरी इकलौती बहन हो, वरना कोई और खूबसूरत लड़की भी चाय बना दी तो मैं शौक से पीता। अम्मा कब दे दो? ये लो। हाँ दुआ जी। अब्बा
तुम्हारी माँ बता रही थी बेटा कि तुमने मुस्तजाब के रिश्ते से इनकार कर दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी खुशी है, हम में से कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन बेटा मेरा कहना यह था कि एक दफा फिर खुले दिल से सोचो। मुस्तजाब अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, हम सबका देखा भाला है। छोटी सी उम्र में इतना अच्छा, इतना बड़ा कारोबार उसने सेट कर लिया है, शुस्ता इंसान है। वेलकम होम। फिर सबसे बड़ी बात ये बेटा कि जब इस तरह के रिश्ते घर खुद चल के आते हैं ना, तो ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। बस अंडरएस्टिमेट कर रहा हूं। मैं कई दिन से गौर कर रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोई खामी ऐसी दिखाई दे नहीं रही। सच सच बताओ, कोई पसंद वगैरह का चक्कर तो नहीं ना? दाई, यार मजाक कर रहा हूं मैं। यार मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो वगैरह थे। अम्मा देखे ना इसको, कितनी बदतमीजी करने लगा है। मैं नहीं बात कर रही तुमसे। दाई बेटा नाश्ता तो करती जाओ। ओ, मैं मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया, इतनी नखरीली है। किस्मत अच्छी है मुस्तजाब की, बच गया। मैं देख के आता हूँ। दुआ दुआ। मैंने बहुत समझाया है इसे लेकिन नहीं मानती। लेकिन क्यों? अमेरिका नहीं जाना उसे। उस्तजाब का सारा बिजनेस तो अमेरिका में ही है, इसीलिए शकीला चाहती है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, वो अकेला ना रहे वहां। भाई किस्मत तो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है, अपने रास्ते अपनी मंजिलें खुद तय करती है। मुझे इसका फैसला बहुत जज्बाती सा लग रहा है, तुम समझाओ इसे, मनाओ। सजाद, शकीला को बहुत उजलत थी दुआ का जवाब जानने की। मैंने इनकार कर दिया है। लोगों ने इनकार कर दिया। मजाक नहीं कर रही थी, शी वाज सीरियस। जब मेरी मामा ने मुझे पूछा यहाँ पे आने का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। मुझे लगा पेरेंट्स उसके यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। फिर आपका ख्याल दुरुस्त निकला या गलत? जवाब उधार। क्या हो गया यार, मगरूर और गुस्सैली हो गई हो तुम। गुस्सा तो तुम्हारे नाक पे हर वक्त बैठा हुआ है। हल्का सा मजाक करो और तुम नाराज। और तुम कितने मुंह फट हो गए तुम्हें पता है? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे सिर्फ ये बता दो कि इतना अच्छा रिश्ता किस खुशी में आपने मना किया? तुम्हें पसंद आया ये रिश्ता? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि मना किया जाए।
अच्छा फिर से सोचो। तुम सिर्फ दूर चली जाओगी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा दाई, तो तुम ये चाहते हो कि मैं दूर चली जाऊं, और इतनी दूर चली जाऊं कि जब 2 साल बाद मुलाकात हो तो सिर्फ चंद हफ्तों की हुआ करे। अरे क्या हो गया तुम्हें, कौन सी सदी में हो तुम? ओ भाई साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है यार, अब आपके प्यारे जिधर कहीं कोने में होंगे ना, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज उनसे बात कर सकते हैं, बल्कि बात क्या आप देख भी सकते हैं। ठीक है भाई, अब फिर तुम ये मुझे बताओ कि वो क्या रीजन था जब हम तुम्हारे 2 साल बाद वापस लौटने पर खुशी से पागल हो रहे थे, हालांकि हम तो तुमसे रोज बात करते थे, तुमसे रोज वीडियो कॉल पे हम तुम्हें देख रहे होते थे, तुम्हें सुन रहे होते थे, लेकिन वो ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या एहसास था जो हमारा दिल करता था कि तुम्हें अपने साथ अपने पास बुलाने पर हम बेचैन रहते थे। अपनों के वजूद की ना बात ही और होती है दाई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, ये बस पेन किलर का काम करते हैं, बस वक्ती आराम मिलता है इनसे, लेकिन दूरी के मर्ज को दूर नहीं कर सकते ये। और मैं अपनों से दूरी के मर्ज में मुबतला नहीं होना चाहती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। यार कहाँ हो भाई, जल्दी आ जाओ, लगा दो यहाँ पे। इधर आओ, तुम क्या खड़े हो वहाँ पे यार, इधर आओ। बस ये रख दे, ये रख दे। हाँ, और ये पूल की सेटिंग भी इधर रखा है। वाह भाई वाह, ये तो मुझे आज पता चला कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मतलब मैं भी सुकून में हूँ, बेगम साहिबा भी चाय पी रही है और यहाँ सारे काम भी हो रहे हैं। है? आपको क्या लगता है हम आपको रेस्ट देना नहीं चाहते? भाई आप जाए अम्मा के साथ जाके गपशप लगाए, ये इंतजाम हम देख रहे हैं ना। अरे यार दाई, याद आया वो इमाम साहब के लिए नया जोड़ा, मस्जिद के लिए सफे और बच्चों के लिए कलाम पाक और रहले रखी हुई है लेके, वो तो देख आओ, वो ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन अब्बा भी तो सारे काम पड़े हुए। दाई हम हैं ना यहाँ, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। मैं भी चाहती हूँ तुम्हें इमाम साहब से दुआएं लेकर आओ। अरे बेटा दाई, मैं दुआ और तुम्हारी माँ यहीं पे है ना, हम संभाल लेंगे मेरे बच्चे। देखो जो आदमी मन्नत माने ना या किसी नेक काम की नियत करे, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जाओ बेटा जाओ, जल्दी देख के आओ सब। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। भाई इसको लगाओ यार सही से। अरे आप लोग क्यों उधर खड़े हैं, आके काम करें ना सारा, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बड़ा अच्छा लग रहा है अपने बेटे को, बहुत इत्मीनान हासिल हो रहा है आपसे मिलकर। छोटे छोटे पौधों को तनावर दरख्त बनाना मेरे रब का कमाल है। बेशक। दुआ बेटी कैसी है? आपकी दुआओं से खैरियत से। असल में मैं उसको लेकर आता लेकिन घर में छोटी सी तकलीफ है, लेकिन उसे सलाम भेजा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह सब पे सलामती भेजे। ये जो हदीये भेजे हैं अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए। इमाम साहब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे याद रखिएगा। वो याद रखता है हमें, ये हमारी खुश नसीबी है। और अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत बख्शे जो दिन के रात होने पर और रात के दिन होने पर भी उसे याद तक नहीं करते। अल्लाह उन सब पर रहम फरमाए। आमीन। बॉबी, तुम नहीं चल रहे मेरे साथ? ना। बॉबी तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका और कनाडा में गुजरा, पाकिस्तान तो तुम बहुत कम रहे। तो ये कि वहाँ के लोग तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़ा खुला जहन होता है उनका,
कोई लड़की उन्हें इनकार कर दे, अगले दिन उन्हें ये बात याद भी नहीं होती। ये तो हम छोटी छोटी बातों को जोक बनाकर दिमाग पे चिपका देते हैं, वो लोग तो ऐसी बातों को मक्खी की तरह नाक से उड़ा देते। आपको किसने बोला कि मैं किसी भी बात को ये क्या बोला आपने जोक बना के चिपका के बैठा हूँ? क्या नाम है उस लड़की का? दुआ। दुआ, दुआ वफा खफा, कोई भी नाम हो, I don't give a damn। आप समझ रही थी कि मैं अब तक इस बात को लेके बैठा हूँ। I'm over it, mom। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में आप बात करना बंद कर दें, और सिर्फ हम लोग नहीं, वो लोग भी। मैं नहीं चाहता कि कोई ज्यादा देर तक मेरे नाम को लेके गलतफहमी का शिकार रहे। तो फिर तो मेरे साथ चल क्यों मीरा? निमरा, सजाद ने बार बार तुम्हें लाने के लिए कहा है। Just I am busy। सब जानते हैं तुम 2 महीने की छुट्टियों पे आए हो, खासी फरागत है तुम्हारे पास। मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाके किसी की सोच की क्या परवाह करनी। आप जा रहे हैं ना, मैंने आपको रोका नहीं, तो प्लीज आप मुझे जाने के लिए इंसिस्ट मत करें। थैंक यू। Honestly, मैं तो ये सोच रही थी कि हो सकता है तुम दुआ को पहली मुलाकात में मुतासर ना कर सके हो। आई मीन कि उसने तुम्हें इस नजर से देखा ही ना हो, इसलिए डिसीजन ना ले सके। अगर तुम आज मेरे साथ Mom, for God's sake! You're insulting me now. आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपने आप को उस 2% की बिलो एवरेज लड़की के सामने बार बार पेश करूंगा माँ? प्लीज बॉबी, ऐसे तो ना बोलो। But don't be so emotional, okay? तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं हुई। पता नहीं मैं कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई दुआ के बारे में, शायद इसलिए कि तुम जानते नहीं और मैं जानती। वो बहुत अच्छी लड़की। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में फिर कभी बात ना करें। As you wish। जिद के तो तुम पक्के हो। अपनी बात से टलोगे ना? मैं जा रही हूँ, खाना खा लूँ। You look pretty. I know. कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बॉबी कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? एक्चुअली कमिटेड था फ्रेंड्स के साथ, वहां चला गया। कह रहा था कि जल्दी फारिग हो गया तो जरूर आऊंगा।
ये लाजमी सी बात है, बाहर से आया है, दोस्त भी मिस कर रहे होंगे, उनका भी तो हक है। Exactly. और दुआ कहाँ है, वो नहीं नजर आ रही। दुआ अरेंजमेंट्स वगैरह देख रही थी, बस यही होगी, अभी आ जाएगी। What a blessing daughters are, यार। That's true. True. और मेरी दुआ तो वाकई blessing है हमारे लिए। I know. इसीलिए मैं चाहती हूँ वो हमसे ज्यादा दूर ना हो। समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रही हूँ। इस छोटी सी बात की वजह से हमारे ताल्लुकात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसा इनविटेशन है दुआ? 11th हमें सबको कहना रात में दावत आ जाइएगा। This is not fair. हमें दायन को अच्छे से वेलकम करना था। और ऊपर से तुम्हारा घर शहर से इतनी दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है आने में। हम अच्छा सा तैयार भी नहीं हो सके, दयान क्या सोचेगा? दयान कुछ नहीं सोचेगा आप लोगों के बारे में। एक बात याद रखे, फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है लड़की पसंद करने का, समझी तुम लोग? इतनी बदतमीज है। दोस्त नहीं होती ना, कसम से कुछ उठा के मार देती। ये दोस्ती ही तो है जो मारती नहीं बचाती है। अच्छा दुआ, अब हमें दयान से भी मिलवा दो। कहाँ रह गया है वो? वो रख ले, आ जाओ। दुआ बेटा, आपकी वो शकीला आंटी वहाँ खड़ी हैं, आपको पूछ रही थी। अच्छा मैम, तुम मिल लेंगे जाके। और भाई तुम लोग सुनाओ, क्या हाल है, सब ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो वाइट में, जस्ट लाइक एन एंजल। थैंक यू सो मच। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। दुआ जाओ जाओ, अटेंड योर गेस्ट। शकीला, हम दोनों मिलके मुस्तजाब के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत गुड लुकिंग, अच्छे खानदान से हैं। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि बॉबी को जल्द से जल्द इस बंधन में बांध। अमेरिका का माहौल तो तुम्हें पता, वैसे तो बॉबी बहुत मैच्योर और दूरअंदेश है, लेकिन दिल तो डरता है ना। मैं तो जैसे कोई अच्छी लड़की मिलेगी मैं रिश्ता फौरन पक्का कर दूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें लड़की चाहिए कैसी? बिल्कुल दुआ जैसी। यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट 100% दाई साहब की एंगेजमेंट का होगा। ये लड़की जब पढ़ाई करके घर एंटर होते हैं ना, तो ख्वाहिश करते हैं अपना सहरा भी साथ लें। मतलब आप लड़कियां भी इतनी कोई मुख्तलिफ नहीं होती हैं। इनफैक्ट आप लोग की मार्कशीट जब आती है ना, तो आप लोग का बस चले तो मार्कशीट के साथ साथ आप शादी का कार्ड भी छपवा लें, ताकि इंतजार ना करना पड़े ना। हेलो हेलो, बस कर दो अपने फजूल ख्यालात का इजहार करना, वरना लोगों को शक हो जाएगा तुम्हारी डिग्री के ऊपर। अच्छा जी, तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी एजुकेशन इसलिए कंप्लीट की है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए? जी, अब समझे तुम। किस तरह की तुम हो यार, मतलब अपनी सारी नालायकियों का फेरा मेरे सर पे डाल दिया तुमने। वेरी नाइस यार, मुझे इस महफिल का हिस्सा ही नहीं बनना। अरे प्लीज कंटिन्यू करें। ऐसे माशाल्लाह दुआ, तुम बहुत लकी हो, कितनी मुकम्मल और अच्छी फैमिली है तुम्हारी। हाँ नेता, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम। जितने प्यार करने वाले वालदैन मिले हैं, जान छिड़कने वाला भाई मिला है, बस मेरी दुआ है अब जो भी इस खानदान में जिस भी फर्द का इजाफा हो ना, वो हमारे लिए खुशी और सुकून का बायस बने। आमीन। स्ट्रेस और अजियत का नहीं। देखो मैं मर ना जाऊं। फिर से बदतमीजी नहीं करो, दाई का है मैं देख के तो लूं। अस्सलाम वालेकुम। हाय मामा, कहाँ हैं?
शकीला आंटी और अम्मा यहीं कहीं हैं आप? प्लीज बैठिए ना। नो थैंक्स, मैं बस मामा को लेने आया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप खाना खा के जाइएगा। आप जहमत ना कीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। लेट मी कम। दुआ, ये कौन है? हॉलीवुड का हीरो? शकील आंटी का बेटा, मुस्तजा अब अमेरिका से आया है। अरे वाह यार, ये तो बना बनाया हीरो है। ये मैरिड है या अनमैरिड? कहीं एंगेज तो नहीं है? अल्लाह, तुम लोग कितनी चीप हो रही हो यार। मुझे अफसोस है, तुम लोगों से दोस्ती करने से पहले मैंने संजीदगी से सोचा क्यों नहीं। अरे मजाक कर रहे हैं ना। दुआ, जिस लड़के को देखती हूँ तुम देखना शुरू कर देती। देखने तो दे मुझे कम से कम। हाँ तो तुम्हें भी देखने का शौक है ना यार, मेरी इज्जत रखो। तुम लोग मेरी दोस्त हो, तुम लोग क्या देखना शुरू हो गए उसको? What a pleasant surprise. हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे। कैसे नहीं आता आपका? आपका खुलूस खींच लाया, दिल बड़ा कर दिया। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो। हां चलो। कैसा है, कहां जाने की तैयारी हो रही है भाई? ऐसे कैसे आप लोग चले जाएंगे? लेने आया मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम सब खाना खाएंगे। मॉम प्लीज खाना लगवाए ना जाके। कम ऑन, इस तकल्लुफ की कोई जगह। अरे भाई हमने भी खाना नहीं खाया ना, साथ ही खाएंगे। मैं खाना लगवा दूं। लगवाएं चले प्लीज। ओके आइए। आप What? उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने इनकार कर दिया? मजाक कर रही हो ना दुआ? ये मजाक नहीं, हकीकत है। My God! दुआ, तुम पागल तो नहीं हो? इतना बेवकूफाना फैसला तुम कैसे कर सकती हो? और निम्रा आंटी, सजात अंकल कैसे मानेंगे? मेरे माँ बाप मुझे कान से पकड़ के निकाह नामे पर साइन करवाएं, अगर नसीब से ऐसा रिश्ता आ जाए तो। तुम्हें चाहिए क्या आखिर? अमीर है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, हर लिहाज से तो परफेक्ट है। ना शुक्री कर रही हो तुम। अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगी। अरे शुक्र ओवर लड़की, उनकी शादी तो हम दुआ से ही कराएंगे, हमारे हैंडसम से दूल्हा भाई बनेंगे ये। तुम लोग ना अपनी उम्मीदों और खुशफहमियों पर फातिहा पढ़ लो, क्योंकि मैं इनकार कर चुकी हूँ और वो इनकार वहां तक पहुंच भी चुका है, इसलिए तो आज उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। अरे दुआ, तुम्हारी ना अकल पे पत्थर पड़ गए, भला इतना अच्छा रिश्ता कौन मना करता है? हाँ तो excuse me, दुआ बेटा मेरा ख्याल में खाना रखवा लो, देर हो रही है। ठीक है अम्मा, मैं बस अभी लगवा। चलो बातें कर। चलो दुआ, तुम ना अपनी फैमिली को टाइम दो और जल्दी से खाना लगवा दो, और हाँ उसके साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलना। खुशनसीबी अपने साथ लेके जाए। आप लोग माइंड नहीं करे तो मैं आराम करने चली जाओ। अरे बेटा, सर माइंड करने वाली कौन सी बात है, ऑब्वियसली थकी हुई होगी। गो एंड रेस्ट। थैंक यू। तुम लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ये लो मुस्तजा बेटा, शुरू करो। मुस्तजा, तुम कुछ भी नहीं खा रहे, क्यों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया जी, खाना ठीक था? माशाल्लाह। क्यों आए? Look at me ना, क्यों आया? I don't know, mom. I'm just really disturbed. Why, मेरी जान? क्यों तुमने ये बात अपने जहन पे सवार कर ली? बेटा ये जिंदगी है, यहाँ सब कुछ चलता है, कभी जीत कभी हार। It's all part of life. क्या राजो न्याज की गुफ्तगू हो रही है माँ बेटे में? अरे कुछ भी नहीं, बस सोच रहे चले, तुम लोग थक गए होगे। I'm sorry, मैं बिजी हो गई थी। अरे don't be silly, I understand. सदियों बाद तो ये बेटा आता है वहाँ से, रोज तो नहीं आता पाकिस्तान। आज पकड़ में आ गया तो अब तो गपशप लगेगी। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा।
अंकल क्या मैं तुम्हारे से कुछ पर्सनली बात कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता इस बात को यहाँ कैसा समझा जाता है, लेकिन आप लोगों का खुलूस देख के रहा नहीं गया। हाँ व्हाई नॉट भाई, हम कोई इतने दकियानूसी ख्यालात थोड़ी रखते हैं। वो सीधा ख्यालात नहीं रखते, तुम दुआ से बात कर सकते हो। क्यों होल्ड सुगरा, इधर आइएगा। जी साहब। जरा जाइए और दुआ बीबी को बुला लाइए। एक्सक्यूज मी अंकल, इज इट पॉसिबल कि सिर्फ मैं और दुआ हूं? सोकरा, दुआ बीबी को ड्राइंग रूम में बुला लो। थैंक यू। Hello. Beautiful place. It looks very nice and comfy. Thank you. मैंने खुद सेट किया है। Please तशरीफ रखिए। Sure. वैसे आपको मेरा यहाँ चले आना बुरा तो लगा होगा। मैं समझी नहीं, मुझे आपका आना क्यों बुरा लगेगा? By the way, मैं आपके पेरेंट्स से पूछ के आया। अच्छा, क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा मैं मिस दुआ से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया एंड इजाजत दे दी। ओके, वो क्या बात है जो आप करना चाहते हैं? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, बल्कि माजरत की है। माजरत में और रिजेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं दिल से माजरत खाऊं। यकीन जाने आपकी दिल आज़ारी बेवजह है, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखते हैं। मेरी नज़र में कोई भी लड़की आपसे मुतासर हो सकती है, और आज मुझे आपकी कही हर बात का यकीन हो गया। Really? और आपके इस यकीन की वजह जान सकता हूँ? My friends, आपके बारे में बातें किए जा रही थी, बहुत एडमायर कर रही थी आपको। अच्छा, और आपका अपने मुतालिक क्या ख्याल है? मेरा अपने मुतालिक क्या ख्याल हो सकता है? मैं बता सकता हूँ? जरूर, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। Well, दुआ, मैंने मामा से आपके बारे में बहुत सुना। दुआ ऐसी है, दुआ वैसी है, दुआ एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़की है। और जब मैं आपसे मिला, I realized that she was absolutely correct. तो शायद आप, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन मैं वाकई कभी किसी से इतना attracted feel नहीं किया। यहाँ तक कि मैं जब से आपसे मिला हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं खुद पे बहुत हैरान हूँ। But you're actually so inspiring. और मेरा मानना है कि जब आपको लाइफ में कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। Am I right?
दुआ, मुझे कहते हुए हेजिटेशन हो रही है, बट आई एम एक्चुअली इन लव विद यू।